माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा है गांधी मैदान से कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी और इसके बाद आगे 20 लाख भी किया जाएगा। इतना बड़ा मुद्दा, जो असल मुद्दा है, आप लोग उस पर क्यों नहीं बहस करते हैं? बिहार में एनडीए की सरकार टूट गई और कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बन गई। वहीं बता दें आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार का वादा किया था। वहीं तेजस्वी यादव के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बन गई, जिसको लेकर लगातार युवा जो है वो कयास लगाए बैठे हैं और लगातार युवा जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब रोजगार मिलेगा, जिसको लेकर लगातार तमाम बातें निकल के आ रही है। वहीं बीजेपी लगातार महागठबंधन पर निशाना साध रहा है, तेजस्वी यादव सवाल कर रहा है, जिसपे तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि हम रोजगार देंगे। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने यह आज ऐलान कर दिया स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कि 10 लाख नौकरियों के साथ साथ 10 लाख रोजगार हम बिहार में देंगे। तेजस्वी यादव जो हैं नीतीश कुमार की बड़ाई करते रुके नहीं, तमाम बातें कर रहे हैं तेजस्वी यादव, जो कि अब बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव, देखे इस वीडियो में। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा है गांधी मैदान से कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी और इसके बाद आगे 20 लाख भी किया जाएगा। इतना बड़ा मुद्दा, जो असल मुद्दा है, आप लोग उस पर क्यों नहीं बहस करते हैं? उस पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? आज हर एक बिहार का नौजवान के दिल में जो उम्मीद थी, जो ख्वाहिश थी, आज उसको हम लोग साथ मिलकर के पूरा कर रहे हैं। चार पांच दिन से तो आप लोग कहते रहते थे से बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैसे घोषणा किया है कि हम लोग साथ मिलकर जो है नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। और आप लोग तो जानते हैं बेरोजगारी हटाना कैमरा वोट किसका गिरा है, हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा और मैंडेट भी जो मिला ये बेरोजगारी मुद्दा जो हम लोग तो आपने सुना बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ाई करते रुके नहीं। उनका साफ कहना था कि जिस तरीके से हमने बिहार विधानसभा चुनाव में 10 लाख रोजगार का वादा किया था, कहीं ना कहीं इससे बढ़कर नीतीश कुमार ने कदम उठाया। और नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि 10 लाख रोजगार के साथ साथ 10 लाख नौकरियां देंगे, यानी कि 20 लाख जो रोजगार है वो बिहार में युवाओं को मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी इनका दावा कहां तक सच है और क्या कुछ होता है बिहार के युवाओं के लिए। फिलहाल तेजस्वी यादव जो है वो लगातार नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे थे। उनका साफ कहना था कि बीजेपी जिस तरीके से सवाल खड़ा कर रहा है उस पर उन्होंने साफ कहा कि रोजगार की बात करें ना, हम रोजगार की बात कर और कहीं ना कहीं हम रोजगार जो है युवाओं को देंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यह ऐलान किया है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान से कि जिस तरीके से हम 10 लाख रोजगार के साथ साथ 10 लाख नौकरियां भी देंगे। फिलहाल तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 मीडिया के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।